हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंबिका ब्यूटी में। कैसे हो आप सब? आज आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम की हुई अपर लिप्स की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो ये देख सकते हो आप, ग्रोथ वैसे ज़्यादा नहीं है बट अपर लिप्स कराना है तो आप देख सकते हो ये इस तरह का है। फेस वैक्स करानी है इस पर और ये ज़्यादा गर्म नहीं किया है मैंने, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बिल्कुल न्यू होता है और नॉर्मल सा गरम रखना है कि बस ये मेल्ट हो। और ऐसे आपको स्किन पे अच्छे से पाउडर लगाना है, उसके बाद आपको वैक्स अप्लाई करना है। मैंने आइसक्रीम वाली स्टिक यूज़ किया है। आप स्टिक ऐसे लकड़ी का स्टिक यूज़ करना, क्योंकि इसमें वैक्स लग जाती है तो वो ख़राब हो जाता है। और फिर देखते दूसरी तरफ यूज़ किया है सेम टू सेम ऐसे ही, थोड़े थोड़े एरिया में आपको वैक्स यूज करना है। बहुत लंबी ज़्यादा दूर तक, मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा स्पेस में लगाना है और फिर उसे खींच देना है। आप ये देख सकते हो इस तरह से लगाना है। ये लगाते के साथ ही बिल्कुल ड्राई हो जाता है और तुरंत इसे ऐसे पुल कर देना होता है, ये देखिए अच्छे से। और ये छोटे से छोटे हेयर भी निकाल देता है। और अगर थोड़ी सी वैक्स आपकी स्किन पर लगी रहती है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप रिपीट उस पर वैक्स लगा सकते हो और फिर उसको निकालोगे तो बहुत इजीली निकल जाएगा, जैसे मैंने ये अब किया है। आप ये देख सकते हो आज अपर लिप्स और जो फेशियल हेयर होते हैं ना उसे रिमूव किया है, उसके बाद टोनर अप्लाई कर दिया है। और ये देख सकते हो जो फेशियल हेयर होते हैं ना, आपको पूरे फेस पे, आप ओवरऑल फेस पे वैक्स कर सकते हो और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इसका। तो अब मैं इसे लोअर लिप्स पर भी यूज़ कर रही हूँ। ग्रोथ ज़्यादा नहीं है बट वैक्सिंग कराने से क्या होता है ना, जो टैनिंग होती है वो भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। अगर आप ब्लीच वगैरह, फेशियल वगैरह कुछ भी यूज नहीं करते हो तो आप फेस वैक्स करा सकते हो, टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है, फेशियल हेयर भी रिमूव हो जाते हैं, फेस पे ग्लो आ जाता है। तो आप ये देखो मैंने छोटे छोटे पार्ट में यूज़ किया है और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बस इसे इतना ही गर्म करिए कि ये मेल्ट हो जाए और स्किन पर अच्छे से अप्लाई हो जाए, प्रॉब्लम ना हो। और जैसे आप लगा के तुरंत, जस्ट 2 सेकंड भी नहीं लगता है, ये तुरंत ड्राई हो जाता है और उसे ऐसे अच्छे से ऐसे निकाल देना होता है। अब क्लीन हो चुका है अपर लिप्स और लोअर लिप्स मैंने कर दिया है। अब आ जाते हैं थ्रेडिंग की तरफ। तो थ्रेड भी फर्स्ट ग्रोथ है, आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि देख सकते हो फुल ग्रोथ है ये, मतलब जो भी होते हैं ना फर्स्ट ग्रोथ जैसी शेप होती है वही है, उसे कैसे बनाते हैं वो आप देख सकते हो और कैसी शेप आई है। मोटी मोटी ही रखी है क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम आईब्रो करवा रहे हो तो फर्स्ट टाइम बिल्कुल बारीक ना करवाएं और बिल्कुल मोटी ही रखें ताकि नेचुरल सा शेप लगे और अच्छी लगे। तो ये देख सकते हो इस तरह से आपको अच्छे से स्ट्रेच करना है और बहुत टाइटली पकड़ना है और थोड़े थोड़े करके हेयर निकालना है क्योंकि फर्स्ट टाइम दर्द बहुत होता है। और बिल्कुल लाइट हाथ चलाना है आपको, थोड़े थोड़े ही हेयर निकालने हैं और बिल्कुल अच्छे से, मतलब स्मूथ धागा चलाना है, टाइट नहीं चलाना है कि पेन हो और स्किन ना कटे। तो आप देख सकते हो सिर्फ थोड़े थोड़े ग्रोथ ऐसे रिमूव किया है मैंने और बिल्कुल मोटी ही रखी है ग्रोथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा। अच्छे से छोटे छोटे हेयर को ऐसे क्लीन कर देना है और एक बार चेक कर लेना है कि छोटी छोटी ग्रोथ रह तो नहीं गई है, आप ये देख सकते हो। उसके बाद आपको सीजर से ऐसे कट कर लेना है जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं और बस आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी शेप आई है। बनने के बाद आईब्रो थोड़ी मोटी लग रही है, आप देखिए बिना बनी हुई बिल्कुल पतली लग रही है। तो ऐसे इसलिए हो रहा ना कि शेप आ जाती है तो वो हाईलाइट हो जाती है आईब्रो। और अब इस तरह से इस तरफ की आईब्रो बनाते हैं, ऐसे ही मोटी रखना है आपको, अच्छे से आप इसे स्ट्रेच करवा लीजिएगा क्योंकि राइट के अकॉर्डिंग लेफ़्ट में थोड़ा ज़्यादा पेन होता है, तो क्योंकि वो पीछे से बनती है शायद इसलिए। बस उस पर भी आपको एक लाइन ऐसे अच्छे से बिल्कुल ध्यान से क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपको बहुत लाइट लाइट थ्रेड चलाना है, आप देख सकते हो इस तरह से। आप ब्रेक ले सकते हो बीच में, स्किन टाइट रखना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो आज अपर लिप्स, लोअर लिप्स और थ्रेड फर्स्ट टाइम हुआ है इसलिए आपके साथ वीडियो शेयर की जा रही है। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। देख सकते हो आप पीछे से जब हम आईब्रो बनाते हैं ना तो बहुत आराम से बनाना चाहिए क्योंकि राइट लेफ़्ट, मुझे तो आदत है। खैर अगर आप फर्स्ट टाइम किसी के आईब्रो बना रहे हो
तो बहुत आराम से सिर्फ और सिर्फ थोड़े थोड़े ही हेयर निकालना है और स्किन टाइट कराना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि जहाँ लूज़ हुई ना स्किन वहीं पे आपकी स्किन कट सकती है और आपको पेन हो सकता है। तो और फिर छोटे छोटे जो हेयर होते हैं उसे क्लीन करने के लिए हल्का हल्का बिल्कुल लाइट थ्रेड चला सकते हो। और ये देखो अब क्लीन हो चुका है। अब ऊपर से शेप देनी है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी बट शेप दे के बहुत अच्छी लग रही थी आईब्रो, तो आप देख सकते हो कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ी सी वीडियो लास्ट में मिस हो गई है बट जैसे शेप आपको दिख रही है ना बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी शेप आई है दोनों तरफ से और बहुत अच्छा लग रहा था। आप ये देख सकते हो। मिलते हैं फिर आपसे हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय बाय।